बट ये बिल्कुल सेम होगा एज इट इज़। जैसे आप कलेक्शन में आएंगे, कलेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपने क्रिएटर कलेक्शन करना है, क्रिएटर कलेक्शन के बाद यहाँ पे आपने लिखना है उसका नाम कोई भी। जैसे मैं 3 पीस लिनन सूट ओनली 1200, ये वैसे कलेक्शन नेम है, इसका टाइटल आपने कोशिश करनी है छोटा, 3 पीस या लिखें अंडर 1500, ठीक है, अंडर 1500 3 पीस, ठीक है। ये मैं नाम लिखा, ठीक है, अभी यहाँ पर इसका टैग देना पड़ा लाजम। मैंने कहा यही इसका यही सेम टैग दें, जो ये होगा ना इसका सेम यहीं पे टैग देंगे, और जब भी डाटा लिखेंगे इसी टैग के साथ लिखेंगे। मैंने ये कलेक्शन कर दी सेम, ठीक हो गया। अभी कोशिश ये करनी है कि इसका जो पहला वर्ड है वो आप इसको बड़ा कर लें, ठीक हो गया, यहाँ पे सूट कैस बड़ा कर लें, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको कर दिया कॉपी, और फिर मैं जाऊँगा यहाँ सेव करके, पहले इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जाऊँगा, मुझे उसको नेविगेशन करना है, यहाँ पे जाऊँगा नेविगेशन में। अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट दिखाता हूँ तो यहाँ पे भी डाटा शो नहीं हो रहा जो मैंने बनाया। मैं यहाँ पे जाऊँगा नेविगेशन पे जाऊँगा, मेन मेन्यू में जाऊँगा। मेन मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर मैं उसका मेन्यू क्रिएट करूँगा, यहाँ पर नाम दूंगा, मैंने सेम वही नाम दे दिया। यहाँ पर आपने लिंक देना है, लिंक में मैंने देखा कि इसकी कलेक्शन बनी हुई है, हमने कहा जी बनी, ये बन गई। इसको यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, जो ही मैंने ऐड किया तो यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे मैंने सेव किया, और ये वाला डाटा अब आपको वेबसाइट पर नज़र आएगा। ठीक है, ये हो गया, पहले मैं मेन मेन्यू में किया ना हमने मेन मेन्यू, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे मेन मेन्यू में वो आगे, इसकी प्लेस आगे पीछे करने का एक अलग से तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा।